उस जुबान का सिर्फ इतना ही कसूर है कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। सुबह सुबह की नमस्ते आप सभी दोस्तों को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरिफ का जो सारस था उसे वन विभाग उठा ले गया है, और किसकी वजह से उठा ले गया है, क्या वजह रही है, ये तमाम बातें आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था। आज फिर एक बात को लेकर के एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आरिफ जो है सारस को लेकर के काफ़ी परेशान है। सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि आरिफ को उनका सारस मिल गया, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक आरिफ को उनका सारस नहीं मिला है। ये सही बात थी कि पक्षी विहार से, रायबरेली के पक्षी विहार से आरिफ का सारस वहाँ से उड़ गया, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया। आप तमाम ऐसे वीडियो सोशल प्लेटफार्म पर देखे होंगे कि वहाँ से उड़ने के बाद वो अमेठी की तरफ ही जा रहा था। कहीं ना कहीं उसे अपने दोस्त आरिफ को जो पाने की उम्मीदें थी, उसका प्यार था, उसके बिना आरिफ का सारस उसके बिना तड़फ रहा था, और उससे उसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए वो वहां से उड़ा और उड़ते हुए अमेठी, जाहिर तौर पे ये बात यहाँ पे साफ स्पष्ट हो रही है वो अमेठी ही जा रहा था, लेकिन रायबरेली के किसी के गांव में उसे लोगों ने देखा तो वहां पर वो उतर गया। उतरने की वजह के पीछे आपको बता दूं कि मैं वहां पे रायबरेली के अपने संवाददाता से बात किया तो उन्होंने कहा कि सर पता ये चला था कि वो भूखा प्यासा था, इसलिए वहां पर उतरा। उसे उम्मीद थी कि यहाँ पे उतरूंगा तो कुछ मुझे खाने पीने को मिलेगा, और वहाँ के लोगों ने दरियादिली दिखाई और उसे अपने घर में ले गए, उसे पकाए, खाना खिलाया पिलाया, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था। लेकिन अभी तक हमारी आरिफ से हुई बातचीत के दौरान ये पता चला कि अभी तक उनके पास सारस नहीं पहुंचा है। अभी वन विभाग वालों ने आरिफ को सारस को नहीं दिया है, और वन विभाग की टीम वहाँ पर आती है और फिर से उसे लेकर के पक्षी विहार चले जाती है। लेकिन इस वक्त की जो खबर है सूत्रों के हवाले से वो ये आ रही है कि आरिफ का जो सारस था उसे अब पक्षी विहार में भी नहीं रखा गया है, उसे कहीं सुरक्षित जगह पर उसे रखा गया है, उसे वहाँ पर खाना पानी मिल रहा है। लेकिन साफ तौर पर अभी ये नहीं कहा जा सकता, यानी स्पष्ट ये बात है कि अभी भी आरिफ के सारस को उसे लौटाया नहीं गया है। आरिफ कहते हैं कि उसके बिना मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ सही से, स्वप्न में उसे ही देख रहा हूँ, चारों तरफ मेरी निगाहें बेचैन है उसे पाने के लिए, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से उड़कर उनके पास चला आएगा। किसी भी पक्षी की आहट उनको परेशान कर रही है, किसी भी जानवर की आहट उन्हें परेशान कर रही है, उनके बिना वो तड़प रहे हैं और ये लोगों से दुआ कर रहे हैं, स्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि सारस मुझे मिल जाए। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर राजनीतिक मामला तूल पकड़ने की वजह से अभी भी एक प्यार करने वाले पक्षी यानी सारस को आरिफ को नहीं लौटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक मामला तो पकड़ लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरिफ से जब से मिलने गए हैं तब से ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। लोग ये कयास लगा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति की जा रही है, और जो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है उसके इशारे पर वन विभाग वाले आरिफ के सारस को उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रयागराज के आमिर के भी सारस को वन विभाग रेस्क्यू कर लेता, लेकिन अभी भी आमिर का सारस उसके पास है और आरिफ के सारस को उठा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे पकड़ लिया गया है। तो दोस्तों आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, कि अखिलेश यादव की जाने की वजह से ही उसके आरिफ के सारस को उठा लिया गया। क्या वन विभाग या ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो एक पक्षी और पशु के प्रेम को अलग न कर सके, एक मनुष्य और एक पक्षी, माफ कीजिए, मनुष्य और पक्षी के प्रेम को अलग न कर सके। क्या उसे ये नहीं चाहिए कि जब सारस आरिफ से इतना प्यार करता है तो उसको उसके हवाले कर दे। ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, लेकिन कहा क्या जाए। अब ऐसे में आरिफ जहां बेचैन है उससे कहीं ज्यादा बेचैन सारस भी है। अफसोस है कि उसको नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अगर सारस को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तमाम सवाल है जिससे लोग परेशान हैं, जिसे लोग जानना चाहते हैं। बेचैनी तो हमें भी है कि आरिफ के सारस को अलग करके ठीक नहीं किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि प्रेम वियोग में तड़प कर सारस अपना प्राण त्याग दे, और इसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, स्वर ना करें कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इसका जवाब कौन है। ये तमाम सवाल है जो सबको परेशान किया हुआ है, सबको हैरान हुआ किया हुआ है। फिलहाल आरिफ की इस बात को सुनिए।
वो कह रहे हैं कि हमारा सारस अभी मुझे नहीं मिला है। सोशल मीडिया पे जो तमाम ऐसे वीडियो है, तमाम वो वीडियो में देख रहा हूँ जिस वीडियो का थंबनेल लगा हुआ कि आरिफ का सारस मिल गया, तो जिस थंबनेल पढ़ करके तो सुकून मिल रहा है, लेकिन जैसे मैं वो वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें पुरानी वीडियो को प्रस्तुत करके बताया जा रहा है जो हमारे घर लोग पहले आते थे, ब्लॉगिंग करते थे, मेरा इंटरव्यू करते थे, उस दौरान की वीडियो को पोस्ट करके लोग ये बता रहे हैं कि आरिफ का सारस मिल गया, लेकिन आरिफ से हुई बात में ये पता चला है अभी तक कि आरिफ का सारस अभी उनको नहीं मिला है। दोस्तों दुआ मैं भी कर रहा हूँ, दुआ आप भी करिएगा, और कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो कि कानून या प्रशासन को थोड़ा सा दरियादिली दिखाए, उनको थोड़ी सी रहम आए और आरिफ के सारस को उनको लौटा दिया जाए। कमेंट सेक्शन में बात बताइएगा, लेकिन उससे पहले आप आरिफ की इस बात को सुन लीजिए जो मायूस शब्दों में एक गाड़ी में बैठ करके आप लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। जय हिंद। के साथ उस बेजुबान का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो एक इंसान से दोस्ती कर बैठा और वो जो मेरा दोस्त था उसको हम पाले नहीं थे, वो सिर्फ मेरे साथ रहता था कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए बस, और जब उसका दिल करता था वो जंगल चला जाता था, जब उसका दिल करता था मेरे पास आ जाता था। ना हमने उसे कभी बंधक बनाया था और ना ही कभी उसे बांध के रखा हुआ था, ना कभी उसको आने जाने के लिए कहीं मना करते थे हम। जब उसका दिल करता था जहां मन करता था वहां आता था, वहां चला जाता था। पर पता नहीं क्या हुआ।